हेलो एवरीवन, ये देखिए मम्मी ने चावल बना दिए थे। मैंने चावल दही खा लिए थे और ये सब्जी देखिए पापा जी ने छोंक लगाई थी। पापा जी ने खा लिया था, मम्मा ने, बट मैंने खाना है बस दही चावल खाए थे रात ये को। 3 संतरे का है पाजी, ये विहान को पिला दो। मैं एक बार अपने लिए और बना लेती हूँ। ये बाबू का है, थोड़ा सा बचा दिया था विहान ने। मेरे वाले मैंने एक अनार ऐड करा है, फालतू ही बन गया। अब कुछ कपड़े तो मेरे सर्दियों के सूख गए हैं, ये विहान के भी मैंने विंटर्स के लगभग निकाल ही लिए कपड़े सारे। मैं यहाँ बेड में रख दूंगी। ये देखो बेड खोलने लगी थी, जाके बैठ गया। यहाँ जो आते हैं ना फ्रूट सब्जी देने वाले, उनसे मैं खरीदना कम ही पसंद करती हूँ क्योंकि काफ़ी महंगी देते हैं, और बाजार में आप लोकल मार्केट सब्जी मंडी से खरीदते हो तो सस्ती मिलती है। तो यहाँ मैंने थोड़े से अंगूर और केले खरीदे थे, सिर्फ विहान के लिए लिए थे, ख़त्म हो गए थे। और बाबू गेट पे खड़ा हो गया था, और मेरा ना ये चूल्हा लॉक सिस्टम है, ये लॉक हो जाता है तो मुझे टेंशन की कोई बात नहीं रहती। ये ना खाना बना रहा है बैठा, लेकिन ये ना चला नहीं सकता चूल्हे को क्योंकि बताया ना मैंने, लॉक हो। तो विहान क्या खाएगा? फ्रेंच फ्राइज खाएगा। ये मत सोचिएगा विहान को घर के बने फ्रेंच फ्राइज खिला रहे हैं, कुछ खा नहीं रहा। कम से कम एटलीस्ट यही खा ले ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सुबह के 8:15 हो रहे हैं और 15 आधे घंटे पहले मैं सो के उठी थी और ब्रश ब्रश कर लिया मैंने, और कल मैंने देख लो सिर्फ इतना ही 1.5 मिनट का ब्लॉग बनाया। कल मैंने कैमरा उठा के कुछ भी शूट नहीं करा, और थोड़ा सा मनोबल टूटा हुआ था, थोड़ी हिम्मत टूटी हुई थी, बट आज सुबह कहा नहीं निधि, तूने खुद से जो तेरा विजन बोर्ड बनाया था ना, सिर्फ उस पर फोकस कर और किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तुझे इसमें जो लिखे हुए सपने हैं ना, वो तुझे पूरे करने हैं। तो लग गई, खड़ी हो गई। मैं कहा चलो भैया वीडियो बनानी स्टार्ट करेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, और बस यही लाइफ है ना। वो लड़की जो सबसे अलग है, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं। चलिए जी, सुबह की शुरुआत तो मैं जूस के साथ ही करती हूँ। मेरा वेट है 66.5 kg। बोलते हैं ना कि आप जब कड़वी दवाइयाँ खाते हो तो उन कड़वी दवाइयों से ना आपकी बॉडी में मतलब हेल्थ अच्छी होती है, उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो कड़वे अनुभव होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जरूर करके जाते हैं। और वो अच्छा होता है कि आपको एक सबक मिलता है, लेसन लाइफ के मिल जाते हैं, सीख लेते हो आप, फिर लाइफ में आगे बढ़ते हो। धोखे खाते हैं इंसान, जब धोखे खाता है तभी आगे के लिए संभलता है। तो यहाँ पर विहान ना सो के उठा था, और सो के उठते ही ये काफ़ी रोने लग गया था, तो उसे चुप करवाने के लिए आपके भी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना पुरानी चीज़ों से बाहर आओगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप ना सुबह सुबह पार्क में जाया कीजिए सुबह शाम को। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद। करीबन आधा घंटा बाबू के साथ मैं खेल रही हूँ, इतने सुंदर सुंदर फूल थे, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी सुबह सुबह। और यहाँ काफ़ी मैं नंगे पाँव चली क्योंकि ओस की बूंदें थी गार्डन में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। और इसीलिए मैंने सोचा आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों पर फोकस करना है नीति तुझे, और स्ट्रॉन्ग माइंड बन, अपना माइंड को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना, अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना ले, अपने दिल को इतना मजबूत बना ले कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, तुझे हर्ट ना कर पाए। तू इतनी दिल से अपने आप को पक्का कर ले जिंदगी में, तो देखियो नीति तू लाइफ में कितनी आगे बढ़ेगी और कितनी खुश रहेगी जिंदगी में। और किताबों से दोस्ती कर ले, सबसे बड़ी बात, बुक्स से दोस्ती कर, तुझे और किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है तो अपनी किताबों में करो, अपनी पढ़ाई लिखाई में करो, एजुकेशन से
ऊपर कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, एजुकेशन बहुत मैटर करती है, पढ़ाई लिखाई कभी ख़राब नहीं जाती। तो मैं तो अभी आज के टाइम में सोचती हूँ कि किसी चीज़ में एडमिशन ले लूँ, आगे पढ़ाई करूँ, नहीं तो किताबें रखी है वो पढ़ूँ, कुछ सीखूँ लाइफ में। हर चीज़ अपनी ज़िंदगी का एक एक मिनट मैं पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हर मोमेंट को इन्जॉय करूँ, अपनी लाइफ का एक एक मोमेंट अच्छे से बिताऊँ और टाइम ख़राब बिल्कुल भी ना करूं। और ये देखिए हमारे घर के फ्लैट्स के बाहर कितने खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स हैं, इन्हें देख के तो वैसे ही मूड अच्छा हो जाता है। आज हमारे घर भिंडी की सब्जी बनी है, पहली बार फर्स्ट टाइम भिंडी। अभी घी ख़त्म हो रखा है इसलिए रोटी तो बिना घी की खानी पड़ेगी। हाँ गड्डी भी आ गई, ट्रेन भी आ गई बाबू की। हाँ आ गई बेटा। मैं इन ट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स मैंने लिए हुए हैं मैं उनको छोड़ने की सोच रही हूँ कि मैं इन्हें आगे कंटिन्यू ना पढ़ाऊँ, बस वो मेरी फीस दे जाएं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ, रीज़न ये है कि देखिए इनसे पूछ के टाइम सेट किया था 6 बजे का, 6 से 8 बजे का टाइम होता है, मैं बंदगी हूँ, इनके चक्कर में मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, मैं अपना मार्केट का काम नहीं निपटा सकती हूँ, मैं वीडियोस तक नहीं बना पाती हूँ शाम के बाद, है ना। मुझे मेरे ऊपर भी मेरे 2 घंटे 2.5 घंटे मैं निकाल के अपना सेपरेट टाइम रखती हूँ कि इनको पढ़ाना है। इन बच्चों से पूछ के टाइम रखा था 6 से 8 बजे का, मुझे जहाँ तक लगता है मुझे कहीं नहीं लगता कि इनके पेरेंट्स भी सीरियस है इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या फिर उनको लगता है कि फीस नहीं देनी मैम को। क्योंकि देखो फीस मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में लूंगी, आज तक 26 दिन 26-27 दिन हो गया, 14 तारीख क्लासेस शुरू करी थी, फीस एक भी बच्चे की मेरी नहीं आई है। फिर मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, यही नजदीक में ही रहते हैं, दे जाएंगे महीने के आखिरी में दे जाएंगे, बंदा यही सोचता है कोई नहीं कहां भागे जा रहे हैं, है ना। लेकिन बात ये है कि देखो सिंसियरिटी नाम की यार उनके पेरेंट्स को ये चीज नहीं दिखती कि अगर मैंने उनको बता रखा है कि 6 बजे का ट्यूशन का टाइम है और बच्चों को मैंने उनके पेरेंट्स को जाके बता रखा है कि 6 बजे का टाइम है, तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 7:30 बजे, कोई टाइम होता है ये 7:25 पे, आप बात सुनो। और उसके बाद जैसे ही 8 बजते कहते मैम छुट्टी कर दो, हो गया टाइम, मतलब क्या 35 मिनट पढ़ाना होता है, आप ही बताइए। मैं फिर भी ये सोच के ना कि यार मेरा तो मतलब यही बनता है ना कि मैं 8 बजे तक की मेरी क्लास है मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं फिर भी 20-25 मिनट फालतू पढ़ाती हूँ ये सोच के। कोई नहीं, अगर ये 7:25 पे आए हैं, 7:30 बजे आए हैं, तो कम से कम मैं 8:20 8:25 तक कम से कम 45-50 मिनट तो पढ़ के जाए ये बच्चे, है ना। और इनके देखो इनको पता है, इनके पेरेंट्स को पता है कि ना इसकी क्लासेस लग रही है, ठीक है ये पढ़ाती है, उसके बावजूद इनके स्टूडेंट बच्चे सारे के सारे, है ना, सबकी बात कर रही हूँ, जो भी 5-6 बच्चे आते हैं मेरे पास, 5-6 के 6 बच्चे ना इनके घर के बाहर ही खेल रहे होते हैं, ये ट्यूशन की छुट्टी मारते हैं और इनके पेरेंट्स इनको कुछ भी नहीं बोलते हैं कि आप ट्यूशन पे ना जाओ या कुछ भी नहीं, कोई भी। और रीजंस क्या होते हैं कि आज हमें शाम के टाइम होलिका बनानी है, आज हमें किसी का हाल बालदाद पे जाना है, आज हमें वहां करना है, आज मेरा दोस्त बुला के ले गया, है ना। और कभी यहाँ ट्यूशन पे आ रहे हैं तो इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं यहाँ पे उनको बुलाने के लिए कि आजा वहां चलना है वहां चलना है, और मतलब वो चीजें ना मतलब बिल्कुल ही मतलब पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन लगती है मुझे। मुझे सबसे पहली चीज तो ये लगती है कि इनका पढ़ाई का बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इनका कोई बेस ही नहीं है पढ़ाई का बना हुआ। जब इंसान का मजा पढ़ाई में तब आता है जब बेस बना हो। अब चीजें इनके सामने रख दी है, क्वेश्चंस की 4-4 लाइनों के याद करो, इंग्लिश में इनको आता है नहीं, इंग्लिश का मतलब नहीं पता, सेंटेंस नहीं पता, वर्ड्स के मतलब नहीं पता, तो इनका इंटरेस्ट कहाँ से जागेगा पढ़ाई में, है ना। तो मैं मेरे साथ परेशानी हो रखी है कि देखिए अब उसके अलावा 2 दिन आएंगे, 2 दिन की अपने आप छुट्टी मार लेंगे, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 4 दिन आएंगे मुश्किल से, तो मुझे बता दो। मेरे को तो जहां तक लग रहा है कि इनको बस अभी ये है कि हाँ पेपर हो रहे हैं, पेपरों के बाद खत्म करना है, उसके बाद नया सेशन 2-3 महीने बाद शुरू होगा, तो मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि बच्चे मेरी फीस भी देकर जाएंगे, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, है ना। तो मैं क्योंकि और मेरा कितना ऑलरेडी टाइम खराब हो चुका है मतलब पढ़ाते हुए, और मतलब पढ़ाऊं क्या यार बच्चों को जब आ ही नहीं रहे बच्चे पढ़ने के लिए, 2-2 दिन छुट्टी, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। मैं इनके घर पहले एक बार मैंने आपके सामने ऑन कैमरा मैंने दिखाया था कि मैं इनके पेरेंट्स को बात बोल के गई थी कि मेरे पास नहीं आते और इकट्ठे नहीं आएंगे, अगर 6 बच्चे मेरे पास ट्यूशन के लिए आ रहे हैं ना तो एक दिन 6 के 6 ही नहीं आएंगे, बताओ क्या 6 के 6 बच्चों को कोई काम हो सकता है। मान लिया एक बच्चे को काम हो वो छुट्टी मार ले, इकट्ठे ग्रुप में अगर एक नहीं जा रहा तो 6 के 6 नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी एक बार बन चुकी, उस टाइम जब डेढ़ महीना बच्चे पढ़ के चले गए तो कोई बच्चा मेरी फीस नहीं देकर गया था, कल को इनके तो पेरेंट्स कह देंगे कि हाँ आपने पढ़ाया क्या, हम किस चीज की फीस दें,
है ना, कुछ भी बोल देंगे। अब हम किसी से लड़ तो नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते कि हम जाके बोलेंगे ये है बात है वो है ना। तो मुझे जहां तक लगता है इनके पेरेंट्स, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इनका सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए हैं 10 साल अपने एक्सपीरियंस में, बट इस टाइप का कि यहाँ पे बच्चों को में कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है कि उनको आगे बढ़ना है, उनको पढ़ाई करनी है। सिंसियरिटी होती है कि हाँ यार पढ़ाई करना है ये काम, बल्कि उनको तो ये लगना चाहिए कि हाँ यार हम पैसे देंगे ट्यूशन के, तो हम जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीचर से गेन करें, उससे क्वेश्चंस पूछे, ज्यादा से ज्यादा हम गेन करें, पैसे पूरे करें, है ना। जितने दे रहे हैं उससे ज्यादा का हम ले ले टीचर से पढ़ाई का। बट यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ। ट्यूशन सेंटर खोला था बड़ी उम्मीदों के साथ कि बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, अच्छा क्राउड आएगा मेरे पास, उनको इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी, इतना अच्छे अच्छे बैचेस बनाऊंगी, और बहुत डिसअपॉइंट हो गई हूँ मैं सच में इस बार बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं मेरा ही दिल नहीं कर रहा है अब यार, कोई बंदा इतने 25 मिनट आए, टाइम से कोई आ ही नहीं रहा है, खेल रहे हैं बाहर, अपने घर के बाहर खेलते रहते हैं, आराम से जब मूड होगा तब आएंगे। फीस एक भी बच्चे की मेरी नहीं आई, जबकि बोला था कि स्टार्टिंग में लूंगी। तो मुझे जहां तक लगता है मैं आज बच्चे आएंगे उनको मैं बोल दूंगी घर जाइए, पूरे जितने दिन के बनते हैं मेरे पैसे दे दीजिए, नया महीने जब नया सेशन शुरू होगा आप लोगों का अगले साल से तब आना। कम से कम ये हो ना कि स्टार्टिंग से हो, बंदे का बेस थोड़ा बहुत स्कूल में काम मिले, वो मैं घर पे करवाऊं कि हाँ ये काम करो ये करो। अभी इस बैच को मैं बंद ही कर रूंगी। आज आएंगे अगर बच्चे तो मैं उनको साफ मना करती हूँ, वैसे वो मेरी ये वीडियो भी देखते हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी जितने दिन का हिसाब बनता है मेरा मेरा वो पे कर दीजिए, जितने दिन मैंने पढ़ाया है। अभी आज आई थिंक 11 हो गई है ना, 11-12 जो भी है, 14 तारीख से मैंने बैच शुरू किया था, तो 5 दिन कम करके 25 दिन की फीस दे देना मेरी। और अगला बैच जो है अपना जब नया सेशन शुरू हो, नया साल शुरू हो, तभी ज्वाइन करना, अभी कोई फायदा ही नहीं लग रहा मुझे इस चीज में। तो ठीक है जी, इसी इसी तरह अब मैं जो नया बैच होगा मैं अगले साल से ही अब शुरू करूंगी, जब नए सिरे से नया पूरा स्टार्टिंग से बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे, और देखते हैं कैसे क्या रहता है। अभी के लिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।